राजस्थान में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट के बीच सचिन पायलट के समर्थकों का उत्साह भी एक बार फिर से सातवें आसमान पर है। सचिन पायलट के आवास पर सैकड़ों नेताओं की भीड़ है। पायलट ने जयपुर स्थित अपने आवास पर तमाम समर्थकों, नेताओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, उनकी बात सुनी और सभी समस्याओं को दूर करने का भरोसा भी दिया। इससे पहले सचिन पायलट ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय इंदिरा मायाराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। यहां भी पायलट के दर्जनों समर्थक उनके साथ दिखे। सचिन पायलट मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी के लिए किसी तिजोरी से कम नहीं, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान को भी ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि इस बार होने वाले चुनाव में अगर कोई बीजेपी को टक्कर दे सकता है तो वो बस पार्टी के एकमात्र नेता सचिन पायलट ही हैं। सचिन पायलट लगातार दौरे करते हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक के अलावा पायलट जहां भी पहुंचते हैं वहां उनके समर्थकों का ऐसा जनसैलाब उमड़ आता है जिसे देखकर विरोधियों की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिलहाल राजस्थान में चुनाव अभी थोड़ा दूर हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को रोकने के लिए जो रणनीति बनाई है उसमें सचिन पायलट बड़ी भूमिका में नजर आने वाले हैं। कांग्रेस आलाकमान कई मौकों पर पायलट की तारीफ कर चुका है। खुद राहुल गांधी भी पायलट के धैर्य की सराहना करते रहे हैं। ऐसे में ये बात तो तय है कि पायलट के कंधों पर थोड़ा देर से ही सही, लेकिन कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी तो चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।